नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिस्क क्या है शेयर बाजार में, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके लिए स्टॉक की क्वालिटी कितनी ज्यादा मैटर करती है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। एंड शुरुआत में दोस्तों एक डिस्क्लेमर टाइप भी आपके साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि ये जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे डिसएग्री भी करते हो, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जो स्टॉक मैं कहूंगा ये रिस्की है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, उसमें शायद आपका निवेश हो और वो स्टॉक आगे आउट परफॉर्म करे, तेजी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा पूरे चांसेस हैं। लेकिन केवल और केवल मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब हम किसी क्वालिटी और एक बहुत ही दमदार फाइनेंशियल फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश करते हैं तो गिरावट में हमारा मन बनता है उसे एड ऑन डिप करने का, यानी कि और खरीदने का। वहीं अगर हम कभी किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जिसमें डू और डाई सिचुएशन हो सकती है या फिर हो सकता है बहुत बड़ा पैसा बने या टूट भी जाए, तो हमें हमेशा लिमिटेड पैसा लगाना चाहिए। जब आप कंपनी के बिजनेस पे भरोसा करके पैसा लगा रहे हो तो आप हमेशा गिरावट में खरीद सकते हो, लेकिन जब आप केवल शेयर के प्राइस के भाव को, मतलब शेयर के भाव को, उठा पटक को देखकर पैसा लगा रहे हो तो हमेशा लिमिटेड पैसा ही लगाइए और बाय ऑन डिप मत कीजिए, ये याद रखना। ये मेरा व्यू है और ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं ना मैं जिस बिजनेस को ना समझूं आप भी ना समझो, है ना। तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी कि क्या टर्न अराउंड स्टोरी है इस प्रकार करके, कि अगर टर्न अराउंड है तो यहां से भी बड़ी तेजी बन सकती है लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि शायद आप, हम, हर कोई ना पचा पाए। तो जो वॉलेटिलिटी पचा सकता है वही एंट्री करना, और अगर आप मतलब चाहते हो हमेशा क्वालिटी में रहना तो आप एंट्री भी मत करना, ये भी मैंने आपसे कहा था। और वो स्टॉक था दोस्तों आर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा। अब मैं रिलायंस इंफ्रा को बताना चाहूंगा आपके साथ एक बार। रिलायंस इंफ्रा ने आज का जो भाव है दोस्तों 301 रुपए का दिखाया है। आप इसका हाई देखिए, 52 वीक हाई देखिए, वो है 351 का। 52 वीक हाई मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 52 वीक हाई ना आपके लिए कल या परसों ही लगा है। आप देखिए यहाँ पे 30th सितंबर को स्टॉक ने लगभग 12:45 के समथिंग 3:51 का भाव दिखाया है और आज ये स्टॉक आपके लिए खड़ा है करीब करीब एग्जैक्टली मैं शेयर करूँ 301 रुपये पे, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 350 रुपये से 301, ये कितना हो गया आप जोड़ो, 17% समथिंग हो गया। तो बड़ी डिप आ गई दोस्तों 15-17% की। अब ये डिप जो आई है, अब यहां से 350 वापस हो जाएगा, ये सोचने वाले निवेशक बहुत कम हो जाएंगे। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं 301 पे अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और 350 पे अगर किसी ने एंट्री ले ली है वो डेफिनेटली बहुत परेशान होगा इस समय कि क्या मेरा भाव मुझे मिल जाएगा, ये सोच रहा होगा। और बाय ऑन डिप के लिए तो डेफिनेटली वो नहीं सोच रहा होगा, और अगर सोच रहा है देन डेफिनेटली आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर एज अ इन्वेस्टर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर इस शेयर में एक जगह भाव पे पैसा लगा दिया 350 पे तो मैं कभी बाय ऑन डिप के बारे में नहीं सोचूंगा, कभी से मीन से अभी तक, क्योंकि अभी मुझे इसके फाइनेंशियल्स पे उतना ट्रस्ट नहीं है ना इसलिए। और यहीं मैं अगर दूसरी किसी कंपनी की बात करूं जो लाइफ आई से करेक्ट हुआ, अभी मैं एग्जांपल के रूप में HDFC बैंक को ले लेता हूं, इसने भी पैसा नहीं बनाया लेकिन फर्क देखिए, फर्क ये है कि इस कंपनी में, इस बैंक में मैंने पैसा लगाया है, ऊपर में 1700 पे लिया है, 1750 पे लिया है, तो भी मेरे को ट्रस्ट है कि मेरा भाव आ जाएगा, इस भाव पे मैं ऐड कर सकता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, मैं इस इन्वेस्टमेंट सुधारने के बारे में, कैसे आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करेंगे उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। इन दोनों स्टॉक्स में कितना बड़ा डिफरेंस मिला मुझे, मेरे पर्पस से देखोगे तो, कि इन HDFC बैंक अगर मैंने 1750 पे भी लिया हुआ है तो मेरे को पता है HDFC बैंक 2000 हो जाएगा, मैं यहां भी ऐड कर सकता हूं, मैं और नीचे भी ऐड कर सकता हूं घटेगा तो, क्योंकि वो प्राइस घट रहा है, कंपनी के कारोबार में डेंट नहीं है। वहीं मैं रिलायंस इंफ्रा की बात करूं तो बिजनेस मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, कल तक कर्ज था अचानक से घटा, स्टॉक 250 रुपए से सीधे 350 हुआ, अभी 350 से 300 रुपए हो गया। और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ये स्टॉक आने वाले एक दो दिन में 20% का अपर सर्किट मार दे और सीधे 400 रुपए भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो रिस्क, वो प्रोफाइल मैनेज करने के लिए
मुझे अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा। अब वो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड पैसा ऐसे स्टॉक्स में डाल सकता हूं। मैंने आपसे वोडाफोन आइडिया के लिए भी यही कह रखा है। आप देखो वोडाफोन आइडिया के चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के अब देखो 9 रुपए 80 पैसे हो गया ये शेयर, 15 रुपए 17 रुपए 18 रुपए 12 रुपए पे खरीदने वालों की कमी नहीं है दोस्तों, केवल इसलिए कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा। मल्टीबैगर बना नहीं बना, 50% आपका पैसा खा गया। अब यहां से दोबारा जब डबल होगा तब आपका पैसा बनेगा, नहीं हुआ तो क्या? कंपटीशन किससे है? एयरटेल जियो से है। क्या है कॉम्पीट करने लायक है उनसे, पैसे से या फिर ऑडियंस से? किसी के माध्यम से भी उनके कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पैसा लगाया, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, आपने पैसा लगाया स्टॉक के प्राइस में। जब भी आप स्टॉक के प्राइस में पैसा लगा रहे हो तो प्लीज लिमिटेड पैसा लगाओ। लोग उल्टा कर देते हैं, प्राइस को देखकर इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, कि बड़ा पैसा लगा देते हैं और फिर फंस जाते हैं। क्वालिटी बिजनेस में ही हमेशा बड़ा पैसा लगाओ। आपको पता है मैगी बिकती रहेगी, नेस्ले में बड़ा पैसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है दूध बिकता रहेगा, डोडला डेयरी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है बिस्कुट बिकता रहेगा, ब्रिटानिया खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट बिकता रहेगा, अल्ट्राटेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चलती रहेगी, HDFC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। SBI ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां ऐसे स्टॉक्स में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, माइक्रो कैप कंपनियां हैं, पेनी टाइप है, वो फिर रिस्क बहुत हाई होती है। अब आप ये भी कह सकते हो भाई बैंक भी कहीं ना कहीं दिवालिया हो जाती है, वो रेयर केसेस होते हैं दोस्तों। अब रेयर केसेस में तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, कल को भारत में ही कुछ हो जाए तो वो तो कोई भी नहीं कर सकता ना, ये तो स्टॉक मार्केट है, इतनी रिस्क तो हमें लेनी है। लेकिन हमें बिजनेस अभी तक तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमेशा जब भी किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जिसमें आप केवल शेयर के प्राइस को देखकर पैसा लगा रहे हो, लिमिटेड लगाइए और बाय और डिप मत कीजिए, और फिर अपने आप को थोड़ा हिम्मत वाला बनाना। और जब बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो रिलैक्स रहिए, गिरावट में ऐड करने के बारे में सोचो, क्योंकि बिजनेस खराब नहीं हुआ है, खराब हुई है सिचुएशन बाजार की। होप मैं आपको सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।